हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो फिर जैसे कि तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अपना कल्चर दिखाऊंगी उत्तराखंड का, और आज रात को होने वाली है पूजाई। मतलब ये मेरी फर्स्ट टाइम है पूजाई देखने का, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है पूजाई देखने में, कहीं तो फिर चलो मिलते हैं आपको। दोपहर का टाइम हो रहा है, खाना खाने का टाइम हो गया। चलो मैं खाना खाती हूँ और आपको दिखाती हूँ खाने में क्या बना है दोपहर के खाने में। गाइस ये देखिए, दोपहर का खाना लग चुका है। दोपहर के खाने में है खिचड़ी। मेरे को खिचड़ी तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, सच में बॉय गॉड बहुत टेस्टी लगती है खिचड़ी। तो आज के खाने में है खिचड़ी। तो लेट्स सी कैसी बनी है खिचड़ी, खा कर टेस्ट बताते हैं। बहुत स्वादिष्ट हो रही है। चलो खाना खाते हैं अब हम। तो फिर गाइस अभी बज रहे हैं 4:30, तो फिर मैं अभी सो रही हूँ ताकि रात को मैं उठी रहूँ पूजा के लिए। तो फिर आपको रात को मिलते हैं, ओके। तो फिर गाइस शाम हो चुकी है, हम उठ गए हैं सोकर। तो फिर हम जा रहे हैं घूमने वगैरह खेतों की तरफ। ये देखिए, देखिए गाइस ये होती है छन्नी, जहाँ पर बकरी गाय वगैरह सारे सारे रखते हैं। ये छोटे छोटे घर बनाए होते हैं इनके लिए, जहाँ पर ये रहते हैं। ये सारी सारी जो भी देख रहे हैं आप छन्नियाँ हैं। ये छोटा सा रास्ता देखिए कैसे जा रहा है रास्ता। यहाँ पे गांव घर देखिए, पुराने घर, ये देखिए पुराने घर ऐसे होते हैं। चलो अब हम घूम कर आ चुके हैं गांव। अब हम सारे के सारे जा रहे हैं वापस घर, थोड़ा आराम करते हैं। अब हमारी पूजा स्टार्ट होने वाली है बस थोड़ी देर में, नीचे वाले उसमें रूम में। और बेसिकली इस पूजा में हमने ये करना है कि जो हमारे कुल देवता या जो हमारे देवता वगैरह हैं, पितृदेव हैं, उनका आवाहन करना है। तो जो जगरी है वो उनको बुलाएंगे। अब देखते हैं आते कि नहीं आते। तो लेट्स सी कि पितृदेवता आते हैं कि नहीं आते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा फर्स्ट टाइम है। तो फिर मैं तो फिर चलते हैं गाइस। चलो दीदी नीचे ही आ रही हूँ। चलो 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 चलते हैं, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। आ रहे मम्मी जी, आना मजा नहीं करना दिया। तो गाइस चलो चलते हैं। गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है, खाना पीना हो चुका है इन सब का। तो फिर अब हम खाना पीना खाकर बस बर्तन धोने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पानी भर रहे हैं लोग, मैं जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए। तो फिर चलो चलते हैं। गाओ दीजिए गाना, गाओ। आज गाल खराब हुई ना तो गाल गाना गाओ। ये देखिए गाइस, गांव के बच्चे कितने मेहनती होते हैं। देखिए इतना छोटा सा लड़का है ये, और ये पानी लेकर जा रहा है। कितने साल के हो आप? आप कितने साल के हो? अरे दे दे, दो मेरे को, दो दीदी को, नीचे रख दो। कितने साल के हो आप? हैं कितने साल के हो आप? 8। ये देखिए 8 साल का लड़का है, पानी लेकर आ रहा है ऊपर से इतनी दूर से। और यहाँ देखो, ये देखिए, ठुमक ठुमक जब हिटी चाहे तू पहाड़ी बतो माँ। ये देखिए पानी भर के लेके जाते हैं यहाँ पे। सुबह से पानी नहीं आ रहा है, तो फिर हम ऊपर से ऊपर गए पानी देने। वहाँ पे 24 घंटे पानी आता है उधर। तो फिर चलो भाई, तो घर छोड़ दिया मैंने। ये देखिए चाय सेवा हो रही है यहाँ पे, चाय सेवा। ये आपने बनाई है चाय? बिल्कुल। चलो भाई चाय सेवा हो रही है यहाँ पे, शाम का टाइम हो गया, चाय सेवा चल रही है इधर। मैंने परवल कहा था ना, मेरे को ग्लास मिल दे रहे चाय। चुप रहो, पता है। चलो यार चलेगी सब आगे। तो फिर हम जा रहे हैं दूसरे गांव, आज वहाँ पे पुजाई है। तो फिर हम सारे के सारे जा रहे हैं। ये देखिए गाइस, हम चल रहे हैं दूसरे गांव की तरफ। ये सफर जारी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्लिपरी है। हाँ, तो मेरी दीदी आरिज की मम्मा गिर गई वहां से।
मैं बचा नहीं पाई क्योंकि मैं अपने हाथ फोन था, एक हाथ में फोन था उन्होंने बोतल दी, मैं पैर पकड़ रही, मैं बोली दीदी अन्ना रिदित सारे सारे आ रहे हैं। फाइनली गांव में पहुंच चुके हैं, कितनी ज़्यादा रौनक है गांव में क्योंकि पुजाई है, काफ़ी सारे लोग आ रहे पुजाई देखने के लिए। तो गाइस यहाँ पे गांव के लोग खुद ही रोटी बनाते हैं, खुद ही खाना बनाते हैं, यहाँ पे गांव के लोग इकट्ठे होकर रोटी सब्जी खुद बनाते हैं। तो फिर चलते हैं कि किस तरह से गांव के लोग बनाते हैं खाना इकट्ठे होकर। ये देखिए गांव की किस तरह से महिला रोटी पकाते हैं। ये देखिए कोई काम नहीं कर रहे हैं लोग छोटे छोटे बच्चे ही काम कर रहे हैं। चलो मंदिर की तरफ। कीर्तन कुर्तन करके हम इधर आ गए वापस घर को चल रहे हैं। ये देखिए गांव की कैसे लेडीज खाना बना रहे हैं। बोरी दीदी चलो फिर भाई कहीं डेरा देके बैठ जा। सबको प्रसाद बन रहा है गाइस, किस तरह से अंकिता स्वार रावत काम कर रही है। ये देखिए कपती आग के सामने रोटियां सेक रही है, यहाँ महक रोटियां बना रही है और मैं पेड़े बना रही हूं। कौन सी ड्यूटी मिली आपको? सारे काम अच्छे से कर रहे हैं। ये गांव के लोग सभी के सभी खाना खा रहे हैं। मेरी प्लेट पूरी जगह तक हो गई है, बहुत टेस्टी होता है। ये देखिए गांव के लोग कैसे, हमारा खाना तो हो चुका है, बहुत ही स्वाद भर रखा था खाना। चलो भाई खाना खुना आगे हम आ गए हैं, बहुत ही स्वाद था। ये देखिए हमारा कमरा है, ये ठीक है, ये हमें रूम मिल रखा है, यहाँ पे हम सोएंगे। इस तरह से हम लेट उठ गए सारे के सारे, तो हम जा रहे हैं पुजाई के लिए। चलो भाई सारे के सारे खड़े हो जाओ, चलो भाई चलते हैं, चलो खड़े हो जाओ सारे के सारे पूजा के लिए चल रहे हैं। आजो आजो सारे, रात के 10 बजने वाले हैं, पूजा स्टार्ट होने वाली है। चलो भाई तो फिर गाइस पूजा स्टार्ट हो चुकी है, ढोल की आवाज़ आ रही है जैसे कि, तो आपको कितनी जोर के। के 12:40 हो चुके हैं और जिन जिन पे देवी देवता आए थे उनको हम रास्ते तक छोड़ने जा रहे हैं, वो हरिद्वार जा रहे हैं स्नान करने के लिए। ये देखिए पूरे गांव वाले जा रहे हैं उनको छोड़ने के लिए, वो देखिए गाड़ी में बैठ रहे हैं ये सारे गांव वाले। ये देखिए झंडा, ये देखिए झंडा, एक झंडा आ गया और एक झंडा आ गया। आवाज़ सुन रहे हो आप ढोल तो होगी, वेलकम। हम सब देवी देवताओं को छोड़कर आ चुके हैं, तो फिर चलिए
चलिए आगे, सोने के लिए सोने का टाइम आ गया। ये है हमारा घर जहाँ पे हमें सोना है। चलो भाई चलो ऊपर से साक्षी। देखिए गांव के लोग आ रहे हैं। चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो फिर बस हम यहाँ से जा रहे हैं गांव से, क्योंकि इधर पानी नहीं है। तो हम अपने गांव जा रहे हैं चोरखंडा नहाने के लिए, क्योंकि इस गांव में नहीं है पानी। ये हमारा ब्लॉग बनने वाला है, सोते हुए दिखाओ सबको। तो फिर जो चलते हैं नहाने के लिए हम। ईशु 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 चाबी तो है ही नहीं, लोग चाबी वाले लोग। बट गाइस हम पहुंच गए फाइनली। रात को जैसे आपने देखा था कि बस पुजाई हुई, हम देवताओं को छोड़ कर आए रास्ते पे, और हम सो गए सीधा, क्योंकि बहुत 2 बज चुके थे कम से कम रात के। तो फिर आज भी पुजाई होगी और कल भी पुजाई होगी। तो फिर प्लीज़ व्लॉग में बने रहिए, व्लॉग को देखिए। तो फिर इसलिए मैं व्लॉग को करूँ यहीं पर एंड। तो प्लीज़ व्लॉग को करो लाइक कमेंट एंड शेयर, अगर आपको अच्छा लगा तो। ओके बाय।